नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं DLED फोर सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका जो चैप्टर नंबर वन है जिसे हम बोलते हैं करड़ी, यानी करड़ी के जो आपके एग्जाम्पल्स थे, आपके कॉन्सेप्ट्स थे, उनको मैंने आपका फर्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए थे। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को डील कर रहे होंगे, तो प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व किया हुआ है और डिटेल में सॉल्व किया हुआ है आपको ये बताने के लिए कि आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी तृतीय सेमेस्टर में बैक लग गई होगी, तो वो पेपर में फेल हो गए होंगे, उनको ये पहले से ही एहसास हो गया होगा। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी उनको लग रहा होगा कि मैं फेल हो गया, मेरा पेपर बहुत ख़राब हो गया है। तो आप थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बुक है पवन की, वो मैंने आपको पूरी सॉल्व कराई हुई है अपने चैनल पर, तो डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा नहीं लगा है बैक, तो आप क्या करें, आप फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोस देखें और यहाँ से समझने का प्रयास करें, अच्छे से अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि आपकी बैक लगने से आपका क्या होगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। एक बार बैक लगने से आप एक साल पीछे खिसक जाते हो, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं, ओके। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मैंने आपके लिए सभी नोट्स प्रॉपर तैयार करे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2023 के अंदर ही आपके ये पेपर्स करा लिए जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2023 लिख दिया है। और ये जो बैच है वो आपका 2021 वाला बैच है, तो करड़ी, करड़ीगत राशियाँ, उनके चिन्ह, करड़ीगत घातांक, ये सभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डील करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चंस आपको दिया गया था, क्वेश्चन वो दिया गया था कि 5 पे पावर 5 और भागित 5 पे पावर 3 को ज्ञात कीजिए, तो इसको आपको ज्ञात करना था। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना, देखिए 5 इस तरीके से लिखना है सॉल्यूशन में, जो देखिए एक बार आपको सॉल्यूशन में सेम टू सेम उस चीज़ को उतार लेना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे उतार लिया है, इसके बाद हमने क्या करा हुआ है कि 5 पे पावर 5 है, ठीक है। और यहाँ पर जो भागित कर रहा है, तो भागित में जब हम मल्टीपल में उसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, इसका जो उलट जाता है, यानी जो इसका अंश होता है वो हर बन जाता है और हर होता है वो अंश बन जाता है। तो यहाँ पे 5 पे पावर 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए, जो मान लीजिए आपको ये पता होगा कि जब पावर जो होती है, यानी कोई भी बेस में है उस पर कोई पावर चढ़ी हुई है और वो नीचे बट्टे में लिखा हुआ है, तो ऊपर जाने पर उसके जो साइन होते हैं पावर के, वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 5 की पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तभी हमने यहाँ पे 5 पे पावर 5 × 5 पे पावर -3 लिख दिया है, इसीलिए ये आपका नियम लगा हुआ है, उस हिसाब से मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, तो 5 पे पावर 5 × 5 पे पावर -3, तो यहाँ पर जब मल्टीपल में पावर होती हैं और उनके बेस समान होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के जो आधार हैं वो 5 ही 5 हैं, तो जो मल्टीपल में ऊपर पावर होती हैं वो हमेशा प्लस माइनस हो जाती हैं, जाकर प्लस हो रही होंगी तो प्लस हो जाएंगी और माइनस हो रही होंगी तो माइनस हो रही होंगी, तो आप माइनस कर देंगे। तो 5 बेस है आपका, ऊपर जो पावर है आपकी 5 - 3 है, तो आपकी जो पावर बचेगी 5 पे पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप छोड़ दें, अगर घातांक के रूप में आपको लिखना है, अगर आपको टोटल सॉल्व करना है तो आप 25 लिख देंगे जाके, तो भी आपका गलत नहीं होगा, तो भी आपका सही होगा, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में आया हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, उसमें ऐसे ही पावर का क्वेश्चन दिया हुआ था और 2 नंबर में क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, शायद इस तरीके से लिखा हुआ था 2/5 पावर कुछ लिखी हुई थी, 2, अब मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से यहाँ पे जैसे 4/3 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था और उस पर पावर चढ़ी हुई थी, इसको आपको सॉल्व करना था उसमें बस। और ये जो क्वेश्चन था ना, पूरा 2 नंबर का था और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ आए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था किस तरीके से सॉल्व करना है, उन्होंने क्लासेस ही नहीं लिए हुए थे, हमने इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ था, उसके बाद उन्होंने कभी क्लासेस ही नहीं लिए। अगर क्लास नहीं लोगे और जाके उठा मुँह उठा के बैठ जाओगे पेपर में जाके, तो आप फेल ही होने वाले हो, तो आप फेल हो गए तो आपकी बुद्धि सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इसी तरीके से कि 29 पे पावर 3 है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 26 पावर 3 है, दोनों का मान निकलवाना है, तो यानी 29 पे पावर 3 है, यानी 29 का मल्टीपल है वो 3 बार हमको करना है, 29 का मल्टीपल क्या करना है हमको, 3 बार करना है।
तो अब जब आप इसको 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 24389 आएगा, क्योंकि ये इसका क्या होता है, क्यूब होता है। इसी तरीके से 26 में भी, सॉरी यहाँ पर 29 लिख गया, यहाँ पे आप 26 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका भी आप 26 में 26 26 26 तीन बार मल्टीपल कर रहे होंगे तो आपका 17576 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में दो सवाल दिए हुए हैं। आप पहला सवाल यहाँ पे देख रहे हो, ये सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल ये दिया हुआ है। तो पहले को सॉल्यूशन करके हमने देखे सॉल्व करा हुआ है कि 6 पे पावर 4 है, 6 पे पावर मल्टीपल में 2 है और यहाँ पर भागित में 6 पे पावर 5 लगी हुई है। तो एक बार जब सॉल्यूशन लिख रहे होते हो आप, तो आपको एक बार उस क्वेश्चन को उतार देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, आपको उतार देना होता है उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व करा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 अगर जब मल्टीपल में, हमने बताया था कि मल्टीपल में अगर पावर होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 पे पावर 4 लिखी हुई है और यहाँ पे 6 पे पावर 2 लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे इनके बेस देखिए, बेस दोनों के 6 हैं, तो 6 बेस हैं तो एक ही बेस ले लो 6। और यहाँ पर जो पावर आप देख रहे हो कि ये जो पावर है वो मल्टीपल में चल रही है, यानी देखिए यहाँ पे जो मल्टीपल लगा हुआ ना, इसका मतलब ये जो पावर आपको ऊपर दिख रही है तो ये आपकी पावर दोनों प्लस में है, और प्लस में तो दोनों जुड़ जाएंगी, यानी 4 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी आपकी 6 पे पावर 6, क्या हो जाएगा 6 पावर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 6 पे पावर जो 5 लगा हुआ है और यहाँ पे जो डिवाइड का साइन लगा हुआ था, जब इसे हम मल्टीपल के साइन में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी जो ये 6 पे पावर 5 है ना वो नीचे आ जाएगा, 1/6 पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1/6 पावर 5 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर जो आप हर में देख रहे हो, अगर जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर बना देगा, तो वही देखिए यहाँ पे माइनस की पावर बना दिया है, 6 पे पावर माइनस का 5। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिचुएशन, आप देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन जो आपको दिख रही है, यहाँ पे दोनों के बेस 6 हैं और ऊपर जो पावर है वो आपकी घट रही है, क्योंकि देखिए 6 प्लस का है माइनस का 5 है तो घट रही है, तो यहाँ पे हम घटा देंगे तो 6 पावर 1 बच जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3 पे पावर 7 × 3 पावर 8, तो यहाँ पर बेस दोनों के समान हैं और यहाँ पे जो पावर है वो दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर ये जुड़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो पावर आप देख रहे हो ना, 7 और 8 प्लस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये प्लस में है तब जुड़ रही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो साइन दिख रहा है मल्टीपल का, तो मल्टीपल में जब संख्याएं होती हैं और जिनके आधार समान होते हैं तो उनकी जो पावर अगर जुड़ रही होंगी तो जुड़ जाती हैं और घट रही होंगी तो घट जाती हैं। तो इस तरीके 3 पे पावर 15 आ जाएगा, यहीं पर आप जा करके एग्जाम में छोड़ दें, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। और अगर आप आगे इसे सॉल्व करना चाहें तो 3 पे पावर 15 का मतलब हो गया 3 का मल्टीपल 15 बार करो, और जब आप 15 बार मल्टीपल कर रहे होगे तो आपका ये आंसर आएगा। हालांकि मैंने इसे 15 बार मल्टीपल नहीं कराया, इसे सीधा मैंने मोबाइल से ही कर डाला है, ठीक है। तो आप भी जरूरी नहीं है आप यहाँ तक करो, करना ही मत आप, यहाँ पे 3 पे पावर 15 करके छोड़ आना, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये मैं सोचना मेरा नंबर कट जाएगा, नंबर कुछ नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 125 को आधार 5 के घातांकी संकेतक के रूप में प्रकट करिए। तो 125 है उसमें आधार 5 रहना चाहिए आपका, और इसको घातांकी संकेतक रूप में आप यहाँ पे इसे डिनोट कर दें। तो आप देख सकते हो 125 होता है, 125 का अगर आप फैक्टर करोगे तो आप इसे काट सकते हो 5 से, ये 25 बार कट जाएगा, फिर इसे आप 5 से काट सकते हो तो ये 5 आ जाएगा, और इसे 5 से काटोगे तो एक बार कट जाएगा, यानी अगर आप 5 का मल्टीपल 3 बार करोगे तो आपको 125 मिल जाएगा। तो 5 पे पावर हम इसे 3 लिख सकते हैं, तो देखिए तभी हमने 5 पे पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये तो आपका घात का काम करेगा, 3 तो घात है, और यहाँ पर जो आप 5 देख रहे हो ये आपका आधार है, ठीक है, घातांकी रूप जहाँ आधार कितना है 5 है, और यहाँ जो घात है वो आपकी 3 है। यही चीज़ आपसे ये करवा रहा था वो हमने आपके लिए कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इनका मल्टीपल करके घातांक के रूप में कन्वर्ट करो, मल्टीपल मत करो, घातांक के रूप में कन्वर्ट कर दो। तो आप इनको गिन लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 14 का मल्टीपल हो रहा है, जब 14 का मल्टीपल 6 टाइम्स हो रहा है तो आपको क्या करना है कि 14 पे पावर 6 रख देनी है, बस खत्म हो गया सवाल ये, ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका।
तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस जो थे आपके वो हमने आपको डिस्कस कर दिए। अगले वीडियो में हम आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।